हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ शिवांशु अत्रे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज अपन 10th क्लास के रिवीजन के डे 26 की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं स्टेटिस्टिक्स के सेकंड पार्ट से। आज हम देखेंगे बेसिकली यहां पर मोड और मीडियन की बात। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं मोड के बारे में, यह मोड होता क्या है। ओके, अगर हम बात करते हैं मोड की तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। देखिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ये। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो मोड आ गया, और मोड आ गया तो आपके तीन नंबर पक्के हो गए। देखिए यहां L है, अगर हम मोड की बात करें, L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्लियर है? लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। अब आपका दिमाग कर रहा होगा कि सर ये मॉडल क्लास क्या है, है ना, हमने मॉडल तो सुना था, ये मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है जिस क्लास की, वो क्लास आपकी मॉडल क्लास होती है। यहां F1 की बात करें तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 की बात करें तो F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग मॉडल क्लास, और H की बात करें तो H होता है क्लास साइज। तो अब देखिए इसका हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। मैं एक बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास सपोज लिख के आ गया मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लियर है? 0 टू 10, 10 20, 20 30, 30 40 और 40 50, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए सपोज 2 3 6 5 4, क्लियर है? कितना हो गया ये? 20 स्टूडेंट। ओके, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द मोड। अब इसका मोड फाइंड करने के लिए देखिए मैं यही इसको सॉल्व कर देता हूं। आपका क्या है, सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा आ रही है, ये 6 सबसे ज्यादा है तो इसको सर्कल कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका F1, इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, कोई दिक्कत? जो सबसे ज्यादा वो F1, उससे पहले ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। मान लीजिए अगर सपोज यहां पर 7 होता या ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती तो वो F1 होती और F2 क्या होता वहां पर? 0। अगर मान लीजिए ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती, सबसे टॉप वाली, तो F नॉट क्या होता? 0। क्लियर आ गया? अब कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मोड का वैल्यू आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू L। अब L देखिए ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी 6 सबसे ज्यादा है, इसकी इंटरवल कौन सा है? 20 टू 30, तो L की वैल्यू क्या आ गई? 20। ये मॉडल क्लास हो गई मेरी 20 टू 30, तो यहां पर L क्या आ जाएगा? 20। तो 20 प्लस F1 यानी कि 6 माइनस 3 अपॉन 6 टू द 12 माइनस 3 और माइनस का 5, माइनस 3 माइनस 5 इंटू एच। अब देखिए क्लास साइज क्या है, 20 से 30 का, 30 माइनस 20 कर दीजिए 10, इंटू 10 हो गया, क्लियर? तो ये हो गया आपका 20 प्लस 3 अपॉन, और ये देख लीजिए यहां 3 माइनस 5 मिलके माइनस 8 बन जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा इंटू 10, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 30 बाय 4, तो ये हो गया आपका 20 प्लस, अब 30 बाय 4 करेंगे तो ये आएगा आपका 7.5, तो ये आपका आंसर आ गया 27.5। देखिए और ये 20 और 30 के बीच में ही आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, तभी तो ये मॉडल क्लास हम डायरेक्टली कह सकते हैं, और ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार इसी क्वेश्चन में देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं। अब क्वेश्चन मुझे पता तो चल गया, मोड इसका 27.5 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ द क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 27.5, इफ द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 27.5, क्लियर है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहां पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि मोड आ रहा है 27.5,
यानी कि 20 और 30 के बीच में ही कहीं आ रहा है, तो यह बात 100% कंफर्म हो गई कि मेरी मॉडल क्लास यही रहने वाली है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी F1 है। यह बात कंफर्म हो गई है, यानी कि मुझे F1 को फाइंड करना है। कैसे कंफर्म हुई है? मोड को देखते हुए। मोड कहां आ रहा है? 27.5, यानी कि 20 और 30 के बीच में आ रहा है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर हमें ये दे दिया गया, अगर टोटल फ्रीक्वेंसी होती तो आप इजीली फाइंड कर सकते थे, पर यहां कैसे फाइंड करेंगे? अब मोड की बात करते हैं, तो मोड है 27.5 और मोड का फॉर्मूला होता है L। अब यहां L ले लिया मैंने, 20 प्लस F1, और मेरा F1 क्या है? X माइनस का 3 अपॉन 2X माइनस 3 माइनस 5 इंटू 10। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा आपका 7.5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2X माइनस 8 इंटू 10। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दीजिए 15X। क्लियर है? 15X माइनस 60 इज इक्वल टू 10X माइनस 30। अब अननोन क्वांटिटी को एक साथ ले आते हैं, x के पास ले आते हैं, 15 में से 10 गया तो 5x इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू आ गया 6, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई है मेरे पास 6। चलिए उतार लीजिए इसको फटाफट। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं मीडियन को। अब ये मीडियन क्या कहता है भाई? देखिए, ये जो मीडियन है ना, ये हम फॉर्मूले से भी फाइंड करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे लेस देन और मोर देन ओजाइव हम ग्राफिकली भी फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला बेसिकली हमें बताया गया है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिल गई। एल की बात करें तो लोअर लिमिट ऑफ द, अब यह मीडियन है तो मीडियन क्लास हो गया, एच आपका क्लास साइज हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी हो गई मीडियन क्लास की। अब दो नए हमारे पास आए हैं, एन बाई टू और सी एफ। एन है मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जितना भी टोटल आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी का, और मेरे पास सी एफ, सी एफ है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका? ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब ये प्रीसीडिंग मीडियन क्लास क्या होगा, कैसे होगा, इसको मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं। तो चलिए आइए, वही अपना एक पुराना छोटा सा इजी क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन हमेशा इजी इसलिए देता हूं ताकि आप इजीली समझ सकें, फिर आप उससे कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लियर है? 0 से 10, 10 20, 20 30, 30 40 और 40 50, देन 2 3 6 5 4। क्लियर है? और पूछा गया कि इसका मुझे आप क्या बता दीजिए, इसका आप मुझे मीडियन बता दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 20 आ गया। अब आपको फाइंड करना है n by 2, n by 2 होगा आपका 20 by 2 यानी कि 10। ये तो आ गया। अब यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर में पहले टेबल बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए हम बात करते हैं, बहुत सिंपल समझिए, ये 2 है तो ये 2 लिख दीजिए, ठीक है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इस 2 में 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 5। फ्रीक्वेंसी में पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइए, पीछे जितनी भी आई होगी। 5 में किसको ऐड कर दीजिए, 6 को, कितना आएगा 11। 11 में किसको ऐड कर दीजिए, 5 को, कितना आएगा 16। 16 में ऐड कर दीजिए 4 को, कितना आएगा 20। ये लास्ट टोटल और ये बराबर आ जाएगा, तो यानी कि आप सही बना के आए हैं। 2 में 3 ऐड करा 5, 5 में 6 ऐड करा 11, 11 में 5 ऐड करा 16, 16 में 4 ऐड करा 20। अब जैसे कि हमारा यहां n by 2 आया है 10, तो आप ये चेक कीजिए 10 कहां होगा। देखिए यहां तक तो मेरे 5 फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो चुकी है, आगे आ रहा है 11, यानी कि ये वाला पार्ट कंप्लीट है, तो मैं इसकी तो बात ही नहीं करूंगा, इसके बाद ही चलना है। तो ये जो मेरा 20 से 30 है, ये मेरा हो गया मीडियम क्लास। क्या हो गया? मीडियम क्लास। तो L का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है? अब n by 2 भी आ गया। अब मुझे चाहिए CF और F। अब F देखिए मीडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 6। क्लियर है? तो 6 हो गया मेरा F। अब बचता है CF, CF इससे ऊपर वाला, मीडियम क्लास से ऊपर वाला CF।
क्लियर है, मीडियन क्लास से ऊपर वाला। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, अब मीडियन का वैल्यू हो जाएगा बेटा एल यानी कि 20 प्लस एन बाय 2 यानी कि 10 माइनस सीएफ। अब सीएफ कितना है 5 अपॉन एफ, एफ कितना है 6 इंटू 10। क्लियर है, एच क्लास साइज 10 आई रहे, तो ये हो गया आपका बेटा 20 प्लस 5/6 इंटू 10, तो 20 प्लस 50/6। तो अगर मैं 50/6 को डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 20 प्लस 8.33, तो ये हो जाएगा आपका 28.33। क्लियर है, आप बाहर लगा सकते हैं क्योंकि रिपीट होता रहेगा। अरे चलिए उतार लीजिए उसको फटाफट। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में लिखा है इफ द मीडियन ऑफ द गिवन टेबल इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो अननोन दे दिए गए, तो जाहिर सी बात है दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा मीडियन का, आप कहीं फॉर्मूला लिख लीजिए। मीडियन की बात करें तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें जो जो चाहिए वो हम बना लेंगे। देखिए n 60 दे रखा है तो n बाई टू 30 आ जाएगा। अब बात करते हैं CF, F और H की। तो सबसे पहले हमें यहां इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, ये गया 5 में एड हुआ x, तो ये आ गया 5 प्लस एक्स। यहां से आगे चले ये हो गया 25 प्लस एक्स, आगे चले ये हो गया 40 प्लस एक्स, आगे चले ये हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर हम आगे चले तो ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने आपको बताया था ये दोनों सेम होगा, तो पहली इक्वेशन तो यहां से आ गई 45 प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया मुझे 60, यानी कि एक्स प्लस वाई हो गया 15। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे फाइंड करते हैं, अब मीडियन दिया गया है तो मीडियन का यूज करते हैं। अब मीडियन है 28.5। अब देखिए अगर ये 28.5 आ रहा है तो यानी कि मीडियन क्लास मेरा 20-30 रहा होगा। ये चीज समझ में आ गई, ये वही आ रहा है ना, बच्चे पूछते हैं सर कैसे बता दिया भाई 28.5 कहां आएगा, 20 और 30 के बीच में ही कहीं आ रहा होगा। तो मीडियन ये फॉर्मूला पुट करते हैं, मीडियन यानी कि 28.5 इज इक्वल टू एल, अब क्लास लोअर लिमिट कितना है मीडियन क्लास का 20 प्लस एन बाय टू यानी कि 60/2 है ना, एन इज इक्वल टू 60 तो एन बाय टू इज इक्वल टू 30, तो ये हो गया आपका 30 माइनस सी एफ। अब इससे ऊपर वाला सी एफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस एक्स अपॉन एफ। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा 20, क्लियर है, और इंटू अब आप देख लीजिए क्लास साइज कितना आ रहा है 10, तो इंटू 10 ये कट गए, क्लियर है, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया 8.5 इज इक्वल टू, और वहां से मुझे मिलेगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, क्लियर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल गया मुझे 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्लियर। तो ये मैं इसको इधर लाऊंगा तो x का वैल्यू क्या मिला मुझे 8, क्लियर है। अब x 8 आ गया तो इसका यूज यहां कर लीजिए फर्स्ट में, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 15 माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। देखिए कितने आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब ऐसे अननोन वैल्यूज आती है और इसके आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अब मीडियन में कई बार क्या होता है, ये क्लास इंटरवल इस तरह से नहीं दी जाती आपको, बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50 बिलो 60 दे देंगे, या फिर मोर देन 0 मोर देन 10 मोर देन 20 मोर देन 30 मोर देन 40 और मोर देन 50 दे देंगे। तो उसमें साथ साथ ही हम मोर देन और लेस देन ओजाइव का ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, टाइम टू टाइम आप देखते रहें, लाइक करते रहें। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।